12 मई 2019 दिन रविवार, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का फाइनल खेला गया। बहुत ही रोमांचक मैच था और आखिरी बॉल पे मुंबई ने इस मैच को जीत लिया। उसके बाद आई तस्वीरें मुंबई इंडियंस के जीत की, विनर्स पार्टी वगैरह। पर इन सब तस्वीरों के बीच ये तस्वीर जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं दबकर रह गई। क्या आप जानते हैं इस तस्वीर में ऐसा खास क्या है? इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं आपको आज इस तस्वीर के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। वॉटसन के घुटने पे आप जो देख रहे हैं, ये कोई रंग नहीं है बल्कि खून है जो उनके घुटने से निकल रहा था। हुआ यूं कि वॉटसन एक रन लेने के लिए दौड़ रहे थे और उन्होंने डाइव मारी। डाइव से उनका घुटना छिल गया और उससे खून निकलने लगा और वॉटसन ने अपनी पारी जारी रखी। निकलते खून के साथ ही उन्होंने अपने 80 रन पूरे किए। इस बात का खुलासा हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वॉटसन अपने घुटने की चोट के बावजूद खेलते रहे। पहले अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाता था तो उसे एक रनर दिया जाता था, लेकिन ICC ने साल 2011 में इस नियम को चेंज कर दिया और रनर को डिसअलाउ कर दिया। मतलब खिलाड़ी कितना भी गंभीर रूप से घायल हो, वो रनर नहीं ले सकता। जो बात दुनिया के सामने आई कि वॉटसन अपनी चोट के बावजूद चेन्नई को अंत तक जिताने की कोशिश करते रहे, तो उनकी काफ़ी तारीफ हो रही है, उनकी दिलेरी की प्रशंसा हो रही है। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।